आदाब नाजरीन, मैं सैयद रहीमुद्दीन, आप देख रहे हैं KSS हैदराबाद। TRS पार्टी के टांडूर MLA वन चार्ज बल्दी हल्के अत्तापुर डिवीजन रोहित रेड्डी ने 28 नवंबर 2020 को अत्तापुर बड़ी मस्जिद कुले कुतुब शाह का दौरा किया और मस्जिद कमेटी के मेंबरों से मुलाकात की। बड़ी मस्जिद कमेटी के मेंबरों ने मस्जिद से जुड़ी अवकाफी जायदाद की तफसीलात बताई। रोहित रेड्डी MLA ने मस्जिद के जिम्मेदारों को तयक्कुन दिया है कि वो GHMC इलेक्शन के बाद वक्फ बोर्ड, बल्दिया और पुलिस के अहदेदारों के साथ मुलाकात करके मस्जिद के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने ख्वाजा नगर में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अत्तापुर की आवाम से अपील की है कि वो बल्दी हल्के अत्तापुर डिवीजन में TRS पार्टी की उम्मीदवार चेरुकू माधवी अमरिंदर के हक में 1 दिसंबर 2020 को अपना कीमती वोट देकर कार के इम्तियाजी निशान पर मोहर लगाते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर अत्तापुर बल्दी हल्के के TRS पार्टी के कारकुनान भी देखे जा सकते हैं। तेलंगाना को डेवलप करने में है और आवाम को कुछ भी तकलीफ नहीं हुए के साथ हर एक सिलसिले में TRS पार्टी साथ दे रही है। नहीं नहीं, हर एक मुश्किल में आवाम के साथ रहने वाली पार्टी TRS पार्टी है। परसों जो फ्लड्स हुए हैं उसमें भी 10,000 रुपये आज तक कोई पार्टी नहीं दिए केवल TRS के सिवा, और जो जिन जिन को भी 10,000 नहीं आए वो 10,000 जरूर आएंगे। हमारे KCR साहब ऑलरेडी पूरा वादा दिए, जो जो भी अभी पेंडिंग है वो पेंडिंग दरखास्तों को इलेक्शन होते ही दिया जाएगा। आज तक लगभग 700 करोड़ ये CM रिलीफ फंड से परसों फ्लड के सिलसिले में दिया गया है और खाली 200 करोड़ देना है। ये इलेक्शन कोड के वजह से BJP जो कंप्लेंट डाली है उसी के वजह से बाकी थोड़े लोगों को आना है। हर एक को भी आप लोग पूरे बेफिक्र रहिए, हर एक को जो जो भी दरखास्त किए सब लोगों को 10,000 रुपये ज़रूर आएंगे। इतना ही नहीं, आज TRS पार्टी आने के बाद ज़रूर 20,000 लीटर फ्री पीने का पानी देने वाली है TRS पार्टी। December 1st से पूरे लोगों को नल का बिल नहीं रहेगा, पूरा फ्री पानी पिलाया जाएगा। और आज अगर तक देखेंगे माइनॉरिटीज़ को एक अच्छा इम्पोर्टेंट देने वाली थी TRS पार्टी है। अगर आज देखेंगे तो माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस और माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारा काम TRS पार्टी कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो आज जितने भी लैंड है उसका भी प्रोटेक्शन का पूरा मुद्दा TRS पार्टी ने लिया है। और यहाँ पर राजा नगर में जो मस्जिदों का प्रॉब्लम है वो मस्जिद का प्रॉब्लम भी हल करेंगे। बस क्या बोल रहे हैं,
एनजीओ से भी बात किया है और मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हम वादा कर रहे हैं कि पूरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेन डिक्लेरेशन का प्रॉब्लम है, लैंड डिक्लेरेशन, वो लैंड डिक्लेरेशन में काफ़ी गरीब लोग कई सालों से लगभग 30-40 साल से वहाँ पर जो भी है और उन लोगों का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है वो फाइल भी हमारे सीएम साहब के पास है और वो इलेक्शन होते ही ज़रूर इंशाल्लाह वो पूरा भी डिक्लेरेशन का काम भी होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी छोटे छोटे मसले हैं वो मसलों को भी हम ज़रूर हल करेंगे। टीआरएस पार्टी को मौका दीजिए कि दूसरे पार्टियाँ जो अफवाहें उड़ा रहे उनको आप पूरे भी आप उनको सबक सिखाना है। टीआरएस से ही पूरे डेवलपमेंट रहेगा, टीआरएस से ही हैदराबाद एक पीसफुल सिटी रहेगा, टीआरएस से ही फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी भविष्य रहेगी। तो आप सब 1 तारीख के दिन पोलिंग के दिन कार के निशान को वोट दे के टीआरएस कॉरपोरेटर चंदू माधवी अमरेंद्र को बंपर मेजॉरिटी से जिताइए। आज हैदराबाद का मेयर सीट जरूर टीआरएस हासिल करेगी और अतापुर सीट भी टीआरएस हासिल करेगी और जरूर आपके जितने भी मसले वो सॉल्व करेंगे बोलते बोलते हुए जय तेलंगाना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।